थे, गवर्नमेंट ने 18,000 का टैबलेट दे दिया और इतना बड़ा दे दिया कि ताकि आंखें आपकी आंखों को कोई तकलीफ ना हो। क्या आपने इसका फायदा लिया या नुकसान, आप पर है। इट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल, नथिंग इज बेड और गुड, इट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल। कि ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसको सही इस्तेमाल करो या गलत करो। वो कौम तालीमी मैदान को समझने में बेकार हो गई तो उसका मुस्तकबिल ये समझ लेना चाहिए कि वो बेकार हो। और मैं बाकी देखो, आप सरपंच पंच के थ्रू मैं आपके पूरी आवाम को ये कहूँगा, मास्टरों पर विलेम लगाना आप छोड़ दें, क्योंकि मास्टर जानते हैं हलाल और हराम को। अगर वो ड्यूटी नहीं देते हैं, चाहे वो किसी भी खानदान से ताल्लुक रखता है, वो हराम खाता है, हराम खाता है, हराम खाता है, उसमें कोई दो चार नहीं। कोई भी मुलाजिम 10 से 4 अपनी ड्यूटी में कोताही बरतता है तो वो हराम खाता है, हराम खिलाता है अपनी कौम को। और ये याद रखो, जिसने एक लुकमा हराम का डाल दिया 40 दिन की इबादत गारत हो जाएगी, वो जितनी भी नमाजें पढ़ता रहे उसको कोई फ़ायदा नहीं, वो मास्टर जानता है। अब तुम्हारा रोल क्या है? आपका रोल है कि स्कूल में जाएं, अपने बच्चों को जिस तरह आप प्राइवेट स्कूल के बच्चे को टाई शाई लगाकर नाक शाक साफ सब करके आप बेचते हैं, क्या आप गवर्नमेंट स्कूल में नहीं बेच सकते? गवर्नमेंट स्कूल के ना बच्चों का नाक क्यों बहता है? क्योंकि माँ बाप उसका ख्याल नहीं रखते। एक ही घर में उन माँ बाप से भी मेरी ये मोदीमाना अपील, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, क्योंकि आप अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन, वो कभी जन्नत के हकदार हो ही नहीं सकते। आपने कैसे ये मान लिया कि एक बच्चा मेरा प्राइवेट स्कूल में पढ़े और दूसरा लड़की जो है प्राइवेट इससे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, ये कैसे आपने डिसाइड कर दिया? आप अपने बच्चों पर क्यों इम्तियाज कर रहे हैं? तो माँ बाप से मेरी मोदीमाना अपील है, जिस तरह उस्ताद ड्यूटी न देकर जहन्नम की तरफ जा रहा है, इसी तरह आप लोग भी अपने बच्चों पर डिस्क्रिमिनेशन करके जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी बात, सोसाइटी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई बच्चा या बच्ची गलत काम कर रहा है, ये तो बाहसियत है। एक ईमान की 3 किस्में हैं। एक ईमान की सबसे कमज़ोर किस्म जो है, वो अगर कोई गलत करता है, अगर उसके पास ताकत है तो हाथ से इस्तेमाल करके उसको रोका करो, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा बुलंद दर्जा जो है वो हाथ से किसी गलती को रोकता है। अगर तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है, जबान से उनको कहो कि मेहरबानी करके ये गलत है, आप ऐसा मत करो। अगर वो भी नहीं तो कम से कम अपने दिल में तो ख्याल करो कि ये गलत कर रहे, हम तो एहसास ही नहीं करते। ये तो माशरा हो गया जनाब, क्या करेंगे? वही तुम्हारे सामने लड़ रहे हैं ये दो बच्चे गलत कर रहे हैं, आप पे एहसास ही नहीं है कि ये बच्चे दो लड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये तो माशरा, हाँ इतना थोड़ा किस समझे है, क्यों नहीं कहेंगे? हम बोल तो सकते हैं, बाकी वो माने या ना माने। तो इसलिए हमारी सबकी खराबी, यहाँ मास्टर भी गुनाहगार है, यहाँ पेरेंट्स भी गुनाहगार हैं, यहाँ सोसाइटी भी गुनाहगार है, लेकिन तकलीफ बच्चों को होती है। जब हम 3 सोए बैठेंगे तो 4था तो खुद बखुद सोएगा, क्योंकि खौफ्ता रहा खौफ्ता का ही कुनत बेदार, जब खुद सोया है तो दूसरों को क्या जगाएगा। इसलिए अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है, ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने क्या खूब कहा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपने हालत करना। इसी तरीके कहते हैं, गॉड हेल्प अस दोस हु हेल्प अस देमसेल्व्स, खुदा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है, अपनी मदद आप करना। नऊज़ुबिल्लाह, हम ये नहीं कह सकते कि खुदा सोने वाले को रोजी नहीं दे सकता, चाहे तो अल्लाह ताला जिसको चाहे रोजी दे सकता है, लेकिन जागने वाले को अल्लाह ताला जगाता है, क्योंकि आप जागोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जगाएगा। इसलिए यहाँ आवाम को भी जागना है, सोसाइटी को भी जागना है, माँ बाप को भी जागना है, बच्चों को भी जागना है, और मास्टरों को भी जागना है। अब मास्टरों को भी नींद से जागने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम पढ़ रहे हैं और जिस माशरे में हम हैं, उसमें ज़्यादा रोल मास्टर का है, और मास्टर को अपने गिरेबान में हाथ डालकर सोच लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे काम करने की और हलाल रोजी खाने की तौफीक अता करे। खुदा हाफ़िज़।